तो नमस्कार, प्रणाम भारत। मैं आपका दोस्त सोनू कुमार, MSc कृषि का छात्र। आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्रीकल्चर बॉय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह स्मृति उपवन कैंपियरगंज। तो आज हम लोग इस पार्क में घूमेंगे, टहलेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या क्या खामियाँ हैं तथा खूबियाँ क्या है, और आपको पूरा दिखाएंगे। जो भी भाई यहाँ पे कैंपियरगंज के साइड के हैं और नेपाल के साइड के हैं, नेपाल जाना मतलब इधर से जा रहे हैं, तो एक बार ज़रूर यहाँ पे इस उपवन में, इस पार्क में आके टहलें और यहाँ का नज़ारा देखें। काफ़ी अच्छा लोकेशन है। तो मैं आज इस खूबसूरत पार्क को आप लोग को दिखाऊंगा, घुमाऊंगा और सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो अभी तक चैनल पे आए हुए हैं तो प्लीज़ यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको यहाँ की खूबियाँ बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि गेट जो है हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आए जाए कोई मतलब नहीं। बहुत ही अच्छा पार्क, ओ भाई तो अच्छा है और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे काफ़ी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि चार्ज एक भी रुपये नहीं लगते यहाँ पे, इस पार्क में घूमने के कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आप आसानी से टहलिए, घूमिए, देखिए पार्क में, अच्छे से अच्छे लोकेशन पे जाइए, फ़ोटो पिक करिए और यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पार्क है। यहाँ पे बच्चों के झूलने के लिए पूरा झूला भी उधर लगाया गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पूरा अच्छे से सब कुछ लोकेशन बनाया गया। यहाँ से जाएंगे वहाँ से आएंगे, यहाँ से जाएंगे वहाँ से जाएंगे, और इधर भी पूरा अच्छे से लोकेशन है, हरी भरी मतलब पौधे हैं सारा अच्छे से। अभी तो टाइम नहीं है लेकिन यहाँ पे टाइम रहता है तो अमरूद फल भी देते हैं जहाँ से आप तोड़ के खा भी सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इस उपवन में कितने सारे बंदर, जय श्री राम, जो हनुमान जी हम मानते हैं, तो देख सकते हैं पूरा अच्छे से। और बच्चों के लिए यहाँ पे ख़ास ये बनाया गया है कि बहुत ही अच्छे से झूला बनाया गया है और भी कई ऐसे बच्चों के खेलने के लिए आकर्षित चीज़ें बनाई गई हैं जिससे काफ़ी आकर्षित होंगे बच्चे और उन्हें काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। ये देख पा रहे होंगे यहाँ से रास्ता है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये बच्चों के लिए है, यहाँ पे बच्चे आसानी से इस झूले पे अपना टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। ये देखिए ये थोड़ा टूट गया है तो अब इसको रिपेयर चाहिए। इसकी खामियों के बारे में बात करें तो यही मैं खामियां है यहाँ पे कि यहाँ पे जहाँ तहाँ टूट गया। मैं चाहूँगा कि अगर सरकार कुछ रुपए लगा के यहाँ पे अच्छे से इसको सेटअप कर दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। या तो फिर एक काम ये हो सकता है कि जो भी यहाँ पे आते हैं उनका टिकट लगे यहाँ पे घुसने के लिए, तो वो कुछ रुपये में तैयार हो जाएगा बन के। ये देखिए ये अभी भी काम कर रहा है, ओ भाई अच्छे से है, ये तो अभी अच्छा है। यहाँ पर अच्छे से आप मज़े भी कर सकते हैं बच्चों को लेके, तो ये अच्छा। और ये झूला आप देख पा रहे होंगे भाई, ओ ये अभी भी अच्छा है और चल भी रहा है, बच्चों को ला के यहाँ पे आसानी से झूला सकते हैं। वहाँ पे देखिए एक चाचा चढ़ के वहाँ पे ऊपर मज़े कर रहे हैं। और भी अच्छी अच्छी लोकेशन है जिस पे आप बैठ के अच्छे से फैमिली के साथ, परिवार के साथ यहाँ पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। तो आप फैमिली को ले आके यहाँ पे मजे कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप जहाँ जाएँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इससे ऐसे चढ़ेंगे सीढ़ियों से फिर ऊपर, और यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था पूरी अच्छे से की गई है। ये देखिए कि आप चारों तरफ से यहाँ कहीं भी बैठ के धूप कर सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं, मजे कर सकते हैं, और भी बैठने की सारी व्यवस्थाएं उधर की गई है। तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है भाई, थोड़ा सा हम लोग टहल लेते हैं यहाँ पे। तो इस पार्क में आप एक बार ज़रूर आएँ और इस पार्क के मज़े लें, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये देख पा रहे होंगे जो हमारा 4 लेंथ है हाईवे है, ये हाईवे है, उसके जस्ट बगल में वहाँ पे गेट है, वहाँ से आप आसानी से आ सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी नेपाल के भाई जाते हैं इधर से, वो ज़रूर इस पार्क में थोड़ा सा रुके, टहले, घूमे और यहाँ का लोकेशन देखे, बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।